हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट वन, एमए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर वन का पार्ट थ्री, थर्ड सब्जेक्ट है ये अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और इसका फर्स्ट टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज बाय एम एच एब्राम्स। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेसन नंबर वन आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एम एच अब्राम्स कौन है? इनका फुल नेम है मेयर होवर्ड अब्राम्स। मेयर होवर्ड अब्राम्स याद रखिएगा। ही ऑल्सो नोन फॉर वर्क ऑन रोमांटिसिज्म। क्रिटिकल इन्होंने एनालिसिस तो किया ही थ्योरीज का, इसके अलावा ये रोमांटिसिज्म से भी एसोसिएटेड है। अभी मैं आपको बता दू, रिसेंटली एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक एग्जाम हुआ था असेसमेंट के लिए, तो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एम एच एब्राम्स किस थ्योरी से जुड़े हैं, किस आप कह लीजिए कि लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े, तो ये रोमांटिसिज्म से जुड़े हैं, उसके सपोर्टर थे। एब्राम्स आइडेंटिफाई फोर एलिमेंट्स, इन्होंने कहा कि चार एलिमेंट्स हैं डेट कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच लिटरेचर प्रोड्यूस्ड एंड रेड। एम एच एब्राम्स ने कहा कि देखो, चार एलिमेंट है, आपको उन्हें स्टडी करना होगा। वही चार एलिमेंट, वही चार चीजें मिलके क्या करते हैं, लिटरेचर बनाते हैं। वही चार चीजें लिटरेचर को शेप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आपको लिटरेचर को समझना है क्रिटिकली, तो फिर आपको इन चार एलिमेंट्स को समझना होगा। तो कौन से चार एलिमेंट है जो मिलकर के आप कह लीजिए लिटरेचर फॉर्म करते हैं? तो पहला तो है ऑथर, ठीक है, ऑथर हिमसेल्फ जो लिखने वाला है। आप यहाँ पे ऑथर कह लो, पेंटर कह लो, म्यूजिशियन कह लो, कुछ भी कह लो, पहला ऑथर। दूसरा रीडर जो कि पढ़ेगा, आप और मैं, हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है शेयर्ड वर्ल्ड्स, यानी कि यूनिवर्स, वो सोसाइटी, वो एटमोसफियर जहां पे हम रहते हैं। उसके बाद फोर्थ है टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी कि जो बुक लिखी गई है। तो सबसे पहले ऑथर जिसने लिखी बुक, फिर रीडर आप और मैं जो कि ऑडियंस है, तीसरा है वर्ल्ड जिसने उसे इन्फ्लुएंस किया था ऑथर को, और चौथी चीज है जो उसने बुक लिखी टेक्स्ट। मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें अच्छे समझाऊंगा। उनकी मोस्ट फेमस बुक है मिरर एंड लैम्प। मिरर एंड लैम्प ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान में रखना। अभी चार एलिमेंट आपको पता चल गए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मिलके आप कह लो कि लिटरेचर की बैकबोन है, यही मिलके लिटरेचर बनाते हैं। तो देर आर फोर एलिमेंट्स विच आर वेल डिस्टिंग्विश्ड एंड मेड इंपॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट ऑन द थ्योरी, ऑल द थ्योरीज। हमने जान लिया कि चार बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो लिटरेचर फॉर्म करते हैं। अगर आपको लिटरेचर समझना है तो चार एलिमेंट्स को समझना होगा। ये कहते हैं कि एम एच एब्राम्स कहते हैं कि जितनी भी लिटरेचर की थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज का काम क्या है? इन थ्योरीज का काम है लिटरेचर को समझना, लिटरेचर की स्टडी करना कि किसी ने कोई बुक लिखी तो क्यों लिखी, क्या सोच के लिखी, किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखी, उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था, बुक का किसके ऊपर फिर आगे इन्फ्लुएंस होगा। लिटरेचर से जुड़ी हर एक चीज की स्टडी करती है ये थ्योरीज। कई थ्योरीज हैं, एम एच एब्राम्स ने बताया कि चार तरीके की थ्योरीज है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये चार तरीके की थ्योरीज आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये चार चीजें समझनी होगी। पहली चीज वर्क। पहली चीज है वर्क, द आर्टिस्टिक प्रोडक्ट इटसेल्फ। ये वर्ड ना बहुत बार आपके सामने आएगा, वर्क, वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट, ये वर्ड बार बार आएगा। इसका मतलब आपने ये नहीं समझना कि कोई काम की बात हो रही है, नहीं, काम की बात नहीं हो रही कि उसने कोई काम किया, नहीं, यहाँ पे बात हो रही है जो भी प्रोडक्ट होता है आर्टिस्ट का। एक आर्टिस्ट, एक पेंटर जो पेंटिंग करता है, उसकी जो पेंटिंग है अभी, वो क्या है, उसका वर्क है। एक ऑथर जो कि बुक लिखता है, उसकी बुक क्या है, उसका वर्क है। तो वर्क का मतलब समझना आपने, वो प्रोडक्ट जो उन्होंने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, बनाया है आर्टिस्ट ने। तो पहली चीज है आपको जो वर्क है उसे समझना होगा, और सारी थ्योरीज भी इसको समझते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, वर्क ऑफ आर्ट इज अ ह्यूमन प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई द नेक्स्ट कॉमन एलिमेंट इज आर्टिस्ट। अभी जो वर्क ऑफ आर्ट है, जो पेंटिंग है, जो बहुत अच्छी बुक है, जो बहुत अच्छी इमारत है, ये सारी चीजें ही तो लिटरेचर का पार्ट है ना। बहुत अच्छी पोइट्री है, ये लिखी किसने है, पेंटिंग बनाई किसने है, एक आदमी ने ही, ह्यूमन बीइंग ने ही तो ये सारी चीजें की है ना। तो इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा हो गया, ह्यूमन बीइंग, या फिर आप कह लो वहां पे ऑथर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ठीक
ठीक है, एक बहुत अच्छा गाना है, लेकिन गाया किसने, लिखा किसने, किसी इंसान ने तो गाया और लिखा होगा ना, तो वो दूसरे नंबर पे आ गया आर्टिस्ट। थर्ड है यूनिवर्स, वो सोसाइटी, वो सोसाइटी, वो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट जहां पे हम रहते हैं, वो चीज हमें इन्फ्लुएंस करती है। द वर्क इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिवर्स इंक्लूसिव ऑफ मैन, मटीरियल थिंग्स, इवेंट्स एंड आइडियाज। ये कह रहे हैं कि चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आपकी सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करती है और आपसे कोई चीज लिखवाती है। आपने कार्ल मार्क्स के बारे में सुना होगा, मार्क्स की बुक्स के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, उनकी बुक्स के बारे में, अंबेडकर के बारे में पढ़ा होगा, उनकी बुक्स के बारे में आप जानते होंगे, है ना, ये सारी चीजें आपको पता है। तो इन्होंने ये सारी चीजें लिखी क्यों, क्यों लिखी, क्योंकि उस टाइम का इन्वायरमेंट ऐसा था जो इन्हें कंपेल कर रहा था कि ये चीज करो, ये चीज लिखो, ये चीज लिखो, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से अब ये इन्वायरमेंट, यूनिवर्स किन चीजों से बनता है, पहला तो मैन है यानी कि हम सारे लोग, फिर मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स में क्या है, हमारा घर, हमारी गाड़ी, सड़कें, सारी चीजें। इवेंट्स यानी कि इस दौरान हमारी लाइफ में, सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। आइडियाज, कैसी आइडियोलॉजी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ये चीजें। फोर्थ पार्ट है द ऑडियंस, फोर्थ है ऑडियंस, आप और मैं जो पढ़ने वाले हैं। द ऑडियंस कम्स एज द फाइनल एलिमेंट, क्योंकि कुछ भी बनेगा, कुछ भी लिखा जाएगा, दिखाया तो हमें जाएगा ना। ऑन दिस फ्रेम वर्क ऑफ आर्टिस्ट, वर्क, यूनिवर्स एंड ऑडियंस, एम एच अब्राम्स हैज स्प्रेड आउट वेरियस थ्योरीज फॉर द कंपैरिजन। वो ये सारी चीजों को बताते हैं कि इन सारी चीज, चार चीजों को ही स्टडी करती है हर एक थ्योरी, हर एक थ्योरी में, लेकिन सेंटर में क्या रहेगा, हमेशा वर्क ऑफ आर्ट। चार एलिमेंट हुए ना, आर्टिस्ट हो गया, ऑडियंस है, वर्क है, यूनिवर्स है, लेकिन सेंटर में क्या रहेगा, हमेशा वर्क या वर्क ऑफ आर्ट। तो ये आपने याद रखना है। अभी हमें बताते हैं एम एच अब्राम्स की, देर आर फोर टाइप्स ऑफ थ्योरीज, ठीक है, लिटरेचर को स्टडी करने की चार तरीके की थ्योरीज है। चार थ्योरीज कौन कौन सी, पहली है मिमेटिक थ्योरी, दूसरी है प्रेग्मेटिक थ्योरी, तीसरी है थर्ड एक्सप्रेसिव, एंड फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव थ्योरी। मिमेटिक, ये वाले वर्ड में कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मिमेटिक वर्ड क्या हुआ। आपने वर्ड सुना है ना, मिमिक्री, मिमिक्री आपने टीवी में सुना होगा कि वो उसकी मिमिक्री करता है, यानी कि उसकी नकल करता है ना, उसे कॉपी करता है, तो वही है मिमेटिक थ्योरी, कि जहां पे आप चीजों को क्या करते हो, उन्हें उनको कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो मिमेटिक वर्ड किससे किससे बने, मिमिक्री से बने, नकल करना। तो डिटेल में अभी बात करेंगे। एब्राम्स लिखते हैं कि जो लिटरेरी थ्योरीज है, ट्राई टू इंटरप्रेट और स्टडी द ह्यूमन माइंड इन टू वेज। तो जितनी भी लिटरेरी थ्योरीज है ना, ये चारों लिटरेरी थ्योरीज, इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी, एम एच एब्राम्स ने ये चार बताई। तो एम एच एब्राम्स कहते हैं कि ये जो सारी की सारी लिटरेरी थ्योरीज हैं, ये ह्यूमन को ही तो स्टडी करेंगी। ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन को ना इंटरप्रेट कर दे, कि ह्यूमन का माइंड दो तरीके का होता है, या तो ह्यूमन का माइंड एज अ मिरर काम करता है, या फिर एज अ लैंप काम करता है। एज अ मिरर का मतलब क्या हुआ, एज अ मिरर का काम तब करता है जब उसे जो सामने दिख रहा है वो एज इट इज उसे रिफ्लेक्ट करे, जैसे मिरर करता है, एज इट इज उसे रिफ्लेक्ट करता है। माइंड एज अ लैंप में क्या होता है, कि वो एज इट इज रिफ्लेक्ट नहीं करता। लैंप होता है ना, जो जिसमें आप कह लो फ्लेम होती है, हम उसे जलाते हैं, तो लैंप ऐसे थोड़ी होता है कि एज इट इज चीजें रिफ्लेक्ट, नहीं, लैंप आपके ऊपर लाइट डालता है, तो वो माइंड जो कि लाइट डालता है, सही और गलत बताता है, ठीक है। तो दो तरीके से काम करते हैं, दो तरीके से जो लिटरेरी पर्सन हैं, ऑथर्स हैं, आर्टिस्ट है, काम करते हैं। पहले तरीके का आर्टिस्ट जो एज अ मिरर चीजों को एज इट इज दिखाता रहेगा, दूसरा आर्टिस्ट जो एक लैंप की तरह काम करेगा, जो कहेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे उसके ऊपर जाना। सो मिरर, माइंड एज अ मिरर, माइंड रिफ्लेक्ट्स द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इट इज रिलेटेड टू मिमेटिक थ्योरी। तो पहली बात तो ये कि चीजें एज इट इज, मिमिक्री का मतलब ऐसा होता है ना कि एज इट इज चीजों को दिखाना, तो ये माइंड एज अ मिरर इसकी बात करता है, और ये जो मिमेटिक थ्योरी है, ये माइंड को एज अ मिरर मानती है। देख रहे हो ना, यहाँ पे पिक्चर आप सामने, माइंड सामने, ये मिरर एज इट इज डायरेक्टली चीजों को दिखाओ, लेकिन दूसरी तरफ माइंड एज अ लैम्प जो कि लाइट शेड कर रहा है, आपके ऊपर रोशनी डाल रहा है। माइंड थ्रू लाइट, माइंड थ्रू लाइट एट द ऑब्जेक्ट इट सीज, इट रिलेटेड टू रोमांटिसिज्म। जो थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि माइंड मिरर नहीं बल्कि लैम्प है, यानी कि वो सोचता समझता है,
वो थ्योरी माइंड को लैंप मानते हैं, और ये जो लैंप मानते हैं वो कौन से थ्योरिस्ट हैं? रोमांटिसिस्ट, रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म क्या मानता है? माइंड एक लैंप है। मेमेटिक थ्योरी क्या कहती है? माइंड एक मिरर है। चलिए अभी ये चारों थ्योरीज आप लोग एक बार देखो। मेमेटिक थ्योरी क्या? विच फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड यूनिवर्स। बाय यूनिवर्स ही मीन्स ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम ऑडियंस, टेक्स्ट एंड ऑथर। तो मेमेटिक थ्योरी ये कहती है कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब क्या? बुक, कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो टेक्स्ट है, कोई भी जो बुक लिखी गई है, उसके बीच में और यूनिवर्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद प्रैग्मेटिक थ्योरी, विच आर इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड ऑडियंस। ये कह रहे हैं बुक के बीच में और ऑडियंस के बीच में क्या रिलेशन है। एक्सप्रेसिव थ्योरी, विच आर कंसर्न विद द टेक्स्ट ऑथर रिलेशनशिप, कि ऑथर और टेक्स्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जिसने बुक लिखी और जो बुक है दोनों के बीच का रिलेशन क्या। ऑब्जेक्टिव थ्योरी, द मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन विच फोकसेस ऑन एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट इन आइसोलेशन। डिटेल में अभी मैं आपको ये चारों थ्योरीज बताऊंगा। एक ये वन लाइनर लिख लेना कि मिमेटिक का है टेक्स्ट एंड यूनिवर्स का रिलेशन, प्रैग्मेटिक का है टेक्स्ट एंड ऑडियंस, एक्सप्रेसिव का है टेक्स्ट एंड ऑथर, और ऑब्जेक्टिव का है टेक्स्ट इन आइसोलेशन। यहां पे देखो मैंने अलग से लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे नंबर गिवन है, वहां से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें लिख लेना क्या क्या कौन स्टडी करता है। सो मिमेटिक थ्योरी, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ। मिमेटिक अप्रोच व्यूज द लिटरेरी वर्क एज एन इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, कि एक नकल की तरह है, एज अ रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन की तरह, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। जो भी वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ यानी कि संसार और मानव जीवन में जो भी चीजें होती हैं, मानव जीवन में और संसार में जो भी चीजें होती हैं, मिमेटिक थ्योरी क्या कहती है कि जो लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी वर्क क्या, जो कि जो आपकी बुक है, कोई पेंटिंग है, वो क्या है, इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब क्या, नकल है किस चीज की, जो भी ह्यूमन लाइफ और वर्ल्ड में। एंड द प्राइमरी क्राइटीरियन अप्लाइड ऑफ अ वर्क इफ द ट्रूथ और इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दैट इट रिप्रेजेंट। अभी टाइम पीरियड कौन सा था? देखो वैसे जो मिमेटिक थ्योरी है, ये चारों थ्योरीज हर एक टाइम पीरियड में फॉलो की गई, लेकिन पॉपुलर किस टाइम पीरियड में थी? तो मिमेटिक थ्योरी को कब सबसे ज्यादा फॉलो किया गया? प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पीरियड में, एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में, यानी कि 300 BC, 300 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2300-2400 साल पहले इस थ्योरी को पहली बार यूज किया गया था। मिमेटिक थ्योरी के बारे में कुछ और चीजें देखो। तो मिमेटिक थ्योरी ये क्या स्टडी करती है? यूनिवर्स एंड इट्स रोल इन द वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, यूनिवर्स हमारे आसपास का क्या रोल है जो वर्क ऑफ आर्ट। मिमेटिक थ्योरी फर्स्टली अप्रोच थ्योरी फर्स्टली अप्लाइड बाय प्लेटो। ठीक है, सबसे पहले मिमेटिक थ्योरी को किसने यूज किया? प्लेटो ने। प्लेटो की बुक का नाम क्या था? द रिपब्लिक। इन प्लेटोस थ्योरी, प्लेटो कहते हैं कि तीन तरीके के वर्ल्ड होते हैं, एक तो आइडियल वर्ल्ड, एक फिजिकल वर्ल्ड, और तीसरा क्या, द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। ठीक है, वो कह रहे तीन तरीके के संसार, एक आइडियल वर्ल्ड, आइडियल जो कि आदर्श है, जो हम चाहते हैं कि वैसी चीजें हो, यानी कि आप कह लो स्वर्ग, क्योंकि वहां पे सब कुछ अच्छा है, तो आप कह रहे वैसी चीजें हो। फिजिकल वर्ल्ड कौन सा? जहां पे आप और मैं रह रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ आर्ट कौन सा? जो हमारे आप कह लो आर्ट में छुपा होता है, जो हमारा आर्ट होता है, वर्क ऑफ आर्ट। वो कह रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है? इमिटेशन है आइडियल वर्ल्ड का। फिजिकल वर्ल्ड यानी कि जिस संसार में हम रह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड क्या, जिस संसार में हम रह रहे हैं वो किसका इमिटेशन है, किसकी नकल है? आइडियल वर्ल्ड की, यानी कि जो स्वर्ग है, भगवान का घर है, वैसी तो चीजें हम अपने घर में करने की कोशिश करते हैं ना, वैसी चीज। और आर्ट क्या है? आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ फिजिकल। आर्ट क्या है, किसकी नकल है, किसका इमिटेशन? जो हमारे यहाँ पे वास्तविकता है। दोबारा सुनिए, फिजिकल वर्ल्ड किसकी नकल है? आइडियल वर्ल्ड की। आइडियल वर्ल्ड स्वर्ग मान के चलो। दूसरी चीज, जो आर्ट है, वर्ल्ड ऑफ आर्ट, वो किसकी नकल है, किसका इमिटेशन है? जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो रियलिटी जिसमें हम जीते। ओके, प्लेटो के बाद दूसरे फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जिन्होंने इसके बारे में लिखा पोएटिक, अपनी बुक पोएटिक में। ठीक है, किसके बारे में? मिमेटिक थ्योरी के बारे में।
वो कहते हैं कि पोइट्री इज एन इमिटेशन, यानी कि पोइट्री और कुछ भी नहीं, एक तरीके का इमिटेशन, नकल है। सामने बहुत अच्छी तस्वीर दिख रही है, मान के चलो कि आप लोग यहाँ पे कहीं पे बैठे हो, यहाँ पे खड़े हो, आप ना ये सारा सीनरी देख रहे हो, तो आप क्या कहोगे? तो आपके मन में खुद ब खुद ही सीनरी के बारे में अच्छे अच्छे ख्याल आना शुरू होंगे। आप भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगोगे कि यार देखो, अगर आप इस तरीके का पानी देखोगे, नदी देखोगे, आप कहोगे कि यार ये नदी कितनी अच्छी है, कितनी गहराई है इसमें। इस तरीके की बातें करना शुरू करोगे ना, और आपके अंदर से पोएट्री निकलनी शुरू होगी। आप कहोगे कि मान लो नदी है, कि अगर पानी से प्यास बुझती तो फिर नदी को बहना क्यों पड़ता, है ना? ऐसी बातें आप कर सकते हो, अगर पानी से प्यास बुझती तो नदी को बहना क्यों पड़ता, है ना? ऐसी चीजें बातों बातें करोगे, आपने देखा होगा, आप करते हो पहाड़ों में जाके, ऐसे वो क्यों होता है? क्योंकि हम उस एनवायरमेंट को इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करना शुरू करते हैं, यही पोइट्री है। उसके बाद है प्रैग्मेटिक थ्योरी। द सेकेंड टाइप ऑफ थ्योरीज आर प्रैग्मेटिक थ्योरीज। प्रैग्मेटिक दूसरे तरीके की थ्योरीज है, कंसर्न्ड विद द रिलेशन बिटवीन टेक्स्ट एंड ऑडियंस। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ऑडियंस है आप और मैं पढ़ने वाले हैं, और जो बुक है जो हम पढ़ रहे हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू अब्राम्स, दीज थ्योरीज हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द डोमिनेंट मोड ऑफ एनालिसिस फ्रॉम द होरेस टू 19th सेंचुरी टाइम पीरियड। तो किस टाइम पीरियड में इसे फॉलो किया गया था? होरेस से लेके 19th सेंचुरी तक, ठीक है। एंड मच ऑफ इट्स टर्मिनोलॉजी इज बोरोड फ्रॉम द एंशिएंट रेटोरिक। टर्मिनोलॉजी, इसके वर्ड्स, टर्म्स, प्रिंसिपल कहां से लिए? नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव थ्योरी। मेन रोल ऑफ आर्टिस्ट इज नॉट टू मिमेटिक। ये थ्योरी कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे मिमिक्री ना करो कि जो सामने एज इट इज उसे रिफ्लेक्ट करते रहो, नहीं, मिरर की तरह काम नहीं करो, बट टू एक्सप्रेस अबाउट द आर्टिस्ट इनर लाइफ। आपके मन में क्या है वो चीज बताओ, ठीक है, इनर लाइफ, अंदरूनी जीवन के बारे में कोई बात करो। ये थ्योरी फॉलो की गई 1800 से 1900 के बीच में जर्मनी और इंग्लैंड में। ये क्या स्टडी करती है? टेक्स्ट और ऑथर के बीच का रिलेशन क्या है। अब्राम्स कंसीडर्ड द ईयर 1800। अब्राम कहते हैं कि जो साल 1800 था वो स्टार्टिंग पॉइंट था इस थ्योरी का। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसी साल एक बुक पब्लिश होती है, प्रीफेस टू द लिरिकल वॉल्स। किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी बुक के साथ एक्सप्रेसिव थ्योरी स्टार्ट होती है। ऑब्जेक्टिव थ्योरी, इट ट्रीट्स अ वर्क ऑफ आर्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी और एंटिटी। ये कह रहे हैं कि जो वर्क ऑफ आर्ट है ना, चाहे कोई बुक है चाहे कोई पेंटिंग है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसे नहीं अभी देखना कि इसे किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, किससे इन्फ्लुएंस हो के, नहीं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर ना आप कह लो डिपेंड करती है। ये स्टडी करते हैं वर्क ऑफ आर्ट को अलोन, कि सिर्फ ये नहीं वो देखती कि किसने लिखी, क्यों लिखी, कब लिखी, बस बुक आपको दे दो, वो बुक को ही स्टडी करते हैं। इट डज नॉट स्टडी द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड आर्टिस्ट या ऑडियंस। ये कह रहे हैं कि आर्ट और यूनिवर्स के बीच के क्या रिलेशन है, हमें नहीं कुछ लेना देना। आर्ट और ऑडियंस के बीच में क्या रिलेशन है, हमें नहीं लेना देना। किसने लिखी, हमें नहीं लेना देना, हमें बस बुक से लेना देना, हम सिर्फ बुक को ही स्टडी करेंगे। इसका टाइम पीरियड क्या है? स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी से, ठीक है, 18th सेंचुरी से, ओके। ये क्या कहते हैं, उसे इंडिपेंडेंट वर्क मानते हैं, और सिर्फ ये वर्क ऑफ आर्ट को ही स्टडी कहते हैं। इसीलिए स्टडी को कहा जाता है आर्ट फॉर द आर्ट्स से, कि सिर्फ आर्ट के लिए ही आर्ट को स्टडी करो, ओके। इस अप्रोच को भी सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही यूज किया था, याद रखना, मिमेटिक को भी और पोएटिक्स को भी। 18th और 19th सेंचुरी में इसे फॉलो किया गया, मैंने आपको बता दिया। और एक टर्म याद रखना, हेट्रोकोसम। हेट्रोकोसम का मतलब होता है कि अगर कोई चीज एक अलग वर्ल्ड हो अपने आप में, और बुक क्या है, अपने आप में एक अलग वर्ल्ड है, ओके। सो आई गेस आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।